Hello and welcome back to my channel The Get Mad. Today's topic is machining processes. So before starting this video, please subscribe to my channel The Get Mad and also press the bell icon. So in this video, we are discussing about turning, facing, boring, reaming, threading, kind of machining processes. So before starting discussing about these topics, let's discuss on manufacturing process again. Manufacturing process are the step through which raw material are transformed into a final product. The manufacturing process begin with the product design and material specification from which the product is manufactured. These materials are then transferred through manufacturing processes to become the required part. Modern manufacturing include all intermediate processes required in the production and integration of a product component. Some industries like semiconductor industry and steel manufacturing plant use the term fabrication instead of manufacturing process. The manufacturing sector is closely connected with engineering and industrial design. So move on, machining process. So what is machining process? Machining process used for giving the final shape to the machine component according to the plant dimension or design. So in the machining process, we are giving the final dimension to the component according to the plant dimension or design, right? So reaming, turning, boring, threading are the machining process, kind of machining process. So start with turning process. Turning is the most important machining process. क्या करते हैं अपन, जो कोई component है अपन को किसी part का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा उसका प्राइमरली मशीनिंग प्रोसेस और प्राइमरली शेपिंग प्रोसेस. लाइक जो अपन ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया है फोर्जिंग के रिगार्डिंग. तो फोर्जिंग में अपन क्या करते हैं, जो कंपोनेंट है उसको रिक्वायर्ड डायमेंशन और रिक्वायर्ड शेप जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, राइट. अपन मशीनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, जो जिस कंपोनेंट को अपन ने जो रिक्वायर्ड शेप था वो प्रोवाइड करवा दिया, अब उसकी डायमेंशन सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, राइट. तो टर्निंग के थ्रू अपन उसकी डायमेंशन सेट कर सकते हैं. तो टर्निंग इज़ अ मटेरियल रिमूवल प्रोसेस विच इज़ यूज टू क्रिएट रोटेटिंग पार्ट बाय कटिंग अवे अनवांटेड मटेरियल. टर्निंग प्रोसेस रिक्वायर टर्निंग मशीन, वर्कपीस, जिक्सन फिक्सचर एंड कटिंग टूल. तो टर्निंग में क्या होता है कि जो मटेरियल है वो रिमूव होता है वर्कपीस से. तो अपन को टर्निंग में रिक्वायर होता है टर्निंग मशीन, एक तो जिक्सन फिक्सचर, कटिंग टूल और वर्कपीस. जो अपना फिक्सचर है वो क्या करता है, टर्निंग मशीन के ऊपर फिक्स रहता है और वर्कपीस को होल्ड करता है. वर्कपीस क्या करेगा, अपना कंटिन्यूसली मूव करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है. फिक्स्चर के ऊपर लगा रहता है और कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, राइट. जो कटिंग टूल है वो जिक्स के ऊपर लगता है. जिक्स क्या करता है, वो कटिंग टूल को होल्ड करता है और मूव करता है, ठीक है. तो कटिंग टूल जो है वो अपना मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है. दिस ऑपरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मशीनिंग प्रोसेस, दैट इज द पार्ट इज रोटेटेड वाइल अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज मूव्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. टर्निंग कैन बी डन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्ट एज वेल एज इंटरनल सरफेस. अगर टर्निंग इंटरनल सरफेस पे हो रही है उसको अपन क्या नाम देंगे, बोरिंग, राइट. तो ये हुआ अपना टर्निंग प्रोसेस. यहाँ पर नीचे डायग्राम में शो कर रखा है, ठीक है, कि ये अपना वर्कपीस है जो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये अपना कटिंग टूल आ गया जो कि मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन, इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. ये है फीडिंग डायरेक्शन, ठीक है. तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो मटेरियल है वो कट हो रहा है. नेक्स्ट मूव करते हैं फेसिंग के ऊपर. तो फेसिंग इज द कंटेक्स्ट ऑफ टर्निंग वर्क इन्वॉल्व मूविंग द कटिंग टूल एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन of the workpiece, rotating workpiece. This can be performed by the operation of the cross slides if one is fitted as distinct from the longitudinal feet turning. It is frequently the first operation performed in the production of the workpiece and often last, hence the phase ending up, right. So facing mein kya hota hai, जो वर्कपीस है वो फेसिंग के अंदर भी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है. और ये फिक्स्चर पे लगा होगा, अपना जो
कटिंग टूल है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, उसकी मूविंग डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. जो टर्निंग में था अपना कटिंग टूल जो है वो मूव कर रहा था पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल ही मूव कर रहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन के. यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलरली मूव करता है, ठीक है. तो वो हो गया अपने फेसिंग. तो फेसिंग और टर्निंग में डिफरेंस यही है कि टर्निंग के अंदर जो कटिंग टूल है वो मूव करेगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड फेसिंग में मूव करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट अपन मूव करते हैं ग्रूविंग, ठीक है, अपन को ग्रूव कट करना है, ठीक है. ग्रूविंग इज लाइक पार्टिंग एक्सेप्ट दैट ग्रूव्स आर कट टू अ स्पेसिफिक डेप्थ इंस्टेड ऑफ सर्विंग अ कंप्लीटेड एंड और पार्ट कंप्लीट कंपोनेंट फ्रॉम द स्टॉक. ग्रूविंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसिस एज वेल एज ऑन द फेस ऑफ द पार्ट, फेस ग्रूविंग और ट्रिपैनिंग, ठीक है. नॉन स्पेसिफिक ऑपरेशन इंक्लूड ड्रिलिंग. तो ग्रूविंग के अंदर ये टाइप आते हैं, जैसे फर्स्ट है ड्रिलिंग. ग्रूविंग अपन क्यों करते हैं, कहीं पे अपन को होल करना है या कहीं पे अपन करना है पार्टीशन करना है, किसी कंपोनेंट के अंदर पार्टीशन करना है, वहाँ पे अपन करेंगे ग्रूविंग करेंगे. तो ग्रूविंग के बहुत सारे टाइप हैं. पहला है ड्रिलिंग. ड्रिलिंग इज़ यूज टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द वर्क पीस. दिस प्रोसेस यूटिलाइज स्टैंडर्ड ड्रिल बिट हेल्ड स्टेशनरी इन द टेल स्टॉक और टूल टरेट ऑफ द लेथ. द प्रोसेस कैन बी डन बाय सेपरेटली अवेलेबल ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है. तो जो ड्रिल बिट्स होती हैं, ठीक है, जिससे अपन होल करते हैं मटेरियल के अंदर, वर्क पीस के अंदर, वो स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है. अपन अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड आती हैं, ठीक है. और उनको यूटिलाइज करके अपने करना होता है मटेरियल रिमूव करना होता है वर्क पीस के अंदर. तो ये भी एक काइंड ऑफ ग्रूविंग ही है, जो ड्रिलिंग है इट्स अ काइंड ऑफ ग्रूविंग प्रोसेस, ओके. तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, फिर अपन कह सकते हैं कि पार्टीशन कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है बोरिंग. एनलार्जिंग और स्मूथिंग एन एग्जिस्टिंग होल क्रिएटेड बाय ड्रिलिंग मोल्डिंग एक्सेट्रा, दैट इज द मशीनिंग ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल फॉर्म बाय माउंटिंग वर्क पीस टू द स्पिंडल वेयर अ चक ऑफ फेस प्लेट, ठीक है, बाय माउंटिंग वर्क पीस ऑन टू द क्रॉस स्लाइड एंड प्लेसिंग कटिंग टूल इन टू द चक. This work is suitable for casting that are too awkward to mount in the face plate. On long bed lengths, large workpiece can be bolted to a fixture onto the bed and a shaft passed between two lugs on the workpiece, and these lugs can be bored out to size. A limited application, but one that is available to the skilled turner machinist. ओके, नेक्स्ट इज नर्लिंग, ठीक है. द कटिंग ऑफ अ सेपरेट पैटर्न ऑन टू द सरफेस ऑफ अ पार्ट टू यूज अ हैंड ग्रिप यूजिंग अ स्पेशल पर्पस नर्लिंग टू. तो नर्लिंग किस लिए करते हैं, बेसिकली ग्रिपिंग को बढ़ाने के लिए करते हैं, कि मतलब जो वो पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांगली अपन उसको ग्रिप कर सके, ठीक है. वहाँ पर अपन क्या करते हैं, नर्लिंग प्रोसेस करते हैं. इसका ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर नर्लिंग का, ठीक है, दिस इज द नर्लिंग. अब है रीमिंग. रीमिंग द साइजिंग ऑपरेशंस दैट रिमूव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम अ होल ऑलरेडी ड्रिल्ड, ठीक है, जिसको अपन ने ऑलरेडी किया है, ड्रिल किया है. अब उससे अपन को एक, जैसे कि अपन ने 5.98 mm का ड्रिल बिट यूज़ किया और क्या किया अपन ने उसमें एक होल कर दिया, बट अपन को 6 mm एग्जैक्ट 6 mm का होल चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, रीमिंग करेंगे, ठीक है. इट इज़ डन फॉर मेकिंग इंटरनल होल्स ऑफ वेरी एक्यूरेट डायमीटर्स. फॉर एग्जाम्पल 6 mm होल इज मेड बाय ड्रिलिंग विथ 5.98 mm ड्रिल बिट एंड देन रीम टू एक्यूरेट डायमेंशन, ठीक है. ये होती है रीमिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट मशीनिंग प्रोसेसेस, ओके. सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, ओके. थैंक यू.